हेलो दोस्तों, क्या आप भी कॉकरोच से परेशान हैं? पहले मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा मैंने उपाय ढूंढ लिया है। इसके परेशानी से बचने के लिए हर महीने अब आपको स्प्रे नहीं लगाना पड़ेगा और ना ही इन छोटे छोटे कॉकरोचों को मारना पड़ेगा। और इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, जैसे पेट दर्द, डायरिया, तो ये सब से छुटकारा मिल सकता है। और इसके बाद 5 साल तक कॉकरोच आपके घर में नहीं आएंगे। और इसको करने के लिए घर की ही चीज़ें चाहिए, जैसे कि मैंने कुछ दिए रखे हैं, ये दिए मैंने दिवाली के बचा के रखे हैं, तो इन सब दियों से बहुत सारे काम हो जाते हैं। और साथ में मैं जो उपाय करने वाली हूँ वो घर के ही चीज़ों से ही होगी, जिसमें कोई भी खतरनाक केमिकल नहीं होगा और ना ही किसी के शरीर को ये नुकसान पहुँचाएगा। और इस उपाय को करने के बाद आपके घर से कॉकरोच हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो हमें यहाँ खतरनाक चीज़ों को यूज़ करके कॉकरोच को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें भगाना है। तो चलिए आज का शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये 3-4 दिए हमने ले लिए हैं, जो दिवाली के बचे हुए दिए होते हैं ना, वही हमने लिए हैं। तो दिवाली के बचे हुए दिए मैं इसे फेंकती नहीं हूँ, इससे बहुत सारा काम हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि इन दियों के हेल्प से हम कॉकरोच को हमेशा के लिए घर से कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने एक प्लेट ले लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं। तो किसी एक नाप के हिसाब से हम आटा ले लेंगे, और जितना आटा हमने लिया था उससे आधा या उससे भी कम हम चीनी लेंगे। चीनी अगर बारीक हो तो और भी अच्छा है। तीसरी ज़रूरी चीज़ बोरेक्स है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया है। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन ले सकते हैं या चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो जितना हमने आटा लिया था उसी के माप से हम बोरेक्स भी ले लेंगे, यानी आटा और बोरेक्स एक ही नाप के होंगे, सिर्फ चीनी को हम बहुत कम लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सख्त आटा गूंथ कर हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए, आटा हमने गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जहाँ आपको इन लोइयों का इस्तेमाल करना है उस हिसाब से इसकी लोइयां बना लें। तो देखिए, हमने लोइयां भी बनाकर तैयार कर ली हैं। आपको जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप आटा गूंथ कर इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब एक एक करके इन लोइयों को हम दिए के अंदर रख देंगे। दिए के अंदर रखने से एक फ़ायदा यह होगा कि दिया पानी सोख लेता है, तो इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा एक्स्ट्रा, उसे यह दिया सोख लेगा। जो लिक्विड मेडिसिन आते हैं उसके ऊपर ये छोटे छोटे कप होते हैं, इसको भी हम फेंक ही देते हैं। अगर इसका भी इस्तेमाल इस तरह से करें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। मोटे गत्ते वाले जो पेपर आते हैं उनकी कटिंग आप निकाल कर उसके ऊपर भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर डायरेक्ट आप कहीं भी रखेंगे तो वहाँ पे ये चिपक जाएंगे या निशान छोड़ देंगे। इसलिए किसी चीज़ के ऊपर रख कर ही आप रखें। किचन के साथ आप किसी भी कमरे में जहाँ आपको कॉकरोच का ज़्यादा प्रॉब्लम हो वहाँ पर आप इसे ऐसे रख सकते हैं। किचन में भी आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े इसको रखें। 8 से 10 दिन होने के बाद इसे आप चेंज कर दें, यानी नया आटा बनाकर उसकी लोइयां बनाएं और फिर से यहाँ पर रख दें। और ये तब तक करते रहें जब तक कि आपके घर से कॉकरोच एकदम नहीं चले जाते। तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत ही जल्दी कॉकरोच कम होने लगेंगे और फिर अचानक से ये गायब हो जाएंगे, यानी घर को बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं और दोबारा फिर नहीं आते हैं। ये तरीका 100% काम करता है, क्योंकि मैंने खुद इसे अपने घर में इस्तेमाल किया है और ये आपके घर में भी ज़रूर काम करेगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।